नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की एक नए वीडियो में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में टॉपिक यह है कि जो भी पर्टिकुलर एल्बम का डिज़ाइन होता है, उसमें फर्स्ट पेज बोलो, बीच का पेज बोलो, या फिर लास्ट पेज बोलो, ट्रांसपेरेंट या कोई भी पेज आप डिज़ाइन करते हैं, तो उसको डिज़ाइन करने का मैकेनिज्म क्या है, कैसे पेज में डिज़ाइन करना चाहिए, कितना आसान होगा इस डिज़ाइन को बनाना और कितना कठिन होगा, कैसे कैसे इस PhD फाइल में हम लोग डिज़ाइन करेंगे, उन सारी चीज़ों को समझेंगे, देखेंगे और सीखेंगे। तो उससे पहले बता दूं कि अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर फोटोशॉप से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक आप लोगों को देते रहता हूँ, तो आप लोगों के सब्सक्राइब करना चाहिए। सेकेंड चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो उसे भी जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को वहाँ भी कुछ ना कुछ कॉन्टेंट मिल सकेगा। फोटोशॉप CS3 में मैं आ चुका हूँ। ये हमारा PhD फाइल। आपकी सहूलियत के लिए कीबोर्ड के शॉर्टकट्स भी मैंने लगा के रखा है, कौन सी बटन कब क्लिक करूँगा, सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आएगी। ये PhD फाइल बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, सिंपल है। एक तो इफेक्ट लगा हुआ है, एक एक दो तो टेक्स्ट लगी हुआ है। जैसे ये यहाँ पर ठीक से देखेंगे तो ये वाला टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये पूरे टेक्स्ट है और छोटा सा PhD फाइल है, जैसे यहाँ देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से PhD फाइल बनाया है मैंने, प्लेन वाला। अब यहाँ से देखते हैं कि मैं कौन कौन सी फ़ोटो लिया है और कैसे कैसे डिज़ाइन बनाऊंगा। सबसे पहला फ़ोटो यहाँ पर मैंने कपल का लिया हुआ है, सॉरी इस फीमेल कैरेक्टर का लिया हुआ है। यहाँ से इसको ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से क्लोज कर देंगे। इस पेज में आ गए, इस पेज में रहते हुए यहाँ से लोड सिलेक्शन कर लेंगे, तो ये पूरा सिलेक्ट हो गया और यहाँ से इसको पेस्ट कर देंगे। फोटो आ चुकी है और इफेक्ट आपका नज़र आ चुका है। अब इस फोटो को इधर ड्रैग कर देंगे और यहाँ से शिफ्ट और ऑल्ट के साथ छोटा कर लेंगे। ये हमारा पहला फोटो लग के तैयार है। यहाँ से फोटो थोड़ी सी ज़्यादा हो रही थी, इसको कट करने के लिए क्या करेंगे, रेक्टेंगल टूल की मदद लेंगे और यहाँ से इतना इसको सिलेक्ट कर देते हैं और डिलीट का बटन दबा देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अगर ठीक से जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी गड़बड़ी नहीं है। ठीक है, पहला फ़ोटो सेट हो गया। दूसरा फ़ोटो यहाँ पर मैंने लिया है ये वाला, और तीसरा फ़ोटो मैंने लिया है ये वाला। जैसे इस फोटो को लूँगा मैं, यहाँ से इतना फ़ोटो ले लेता हूँ और यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से क्लोज कर दूँगा। ध्यान देने वाली कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि ये वाला फ़ोटो जो फ्रेम ये नहीं है, ये फ्रेम है। यहाँ से देखेंगे इसके ऊपर एक इफेक्ट लगा हुआ है, कंट्रोल के साथ इसको एक्टिवेट करूँगा तो एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा और इसको छोटा कर लूँगा। ये फोटो इफेक्ट लग के तैयार हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है बन के। यहाँ से तीसरा फोटो ये है हमारा, यहाँ से इतनी फ़ोटो लगने वाली है, मेरे को बहुत अच्छे से पता है। इतनी फ़ोटो कॉपी कर लूंगा और यहाँ से इसको क्लोज कर दूंगा। इस वाले लेयर पे रहते हुए इसको एक्टिवेट करूंगा कंट्रोल के साथ और यहाँ से पेस्ट कर दूंगा। अब इस फोटो को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, यहाँ से इसको थोड़ा सा जूम इन जूम आउट है, ये हो गया इधर। और जो सेव डिजाइन सेव बनाया गया है उस सेव को थोड़ा सा दिखा देते हैं, बस यहाँ तक इतना काफ़ी है और ये फोटो बन के तैयार है। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दो इफेक्ट अलग अलग नज़र आ रहे हैं, जो इसमें भी एक इफेक्ट है और इसमें भी एक इफेक्ट है, और ये PhD फाइल बन के तैयार होगी। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं और इन सब चीज़ों को चेंज भी कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो। फिलहाल में यहाँ तक ये चीज़ बन के तैयार है। अब अगर आप इस फाइल को यूज़ करेंगे PhD में या ट्रांसपेरेंट में या फिर माजदा एल्बम में या फिर कोलार्ज में, कोई भी चीज़ में यूज़ करेंगे तो ये चीज़ सही से काम करेगी और बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन बनाया गया है। तो इस तरीके से चीज़ों को देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, बहुत आसानी से वीडियो समझ में आएगी और आप इस टाइप का डिज़ाइन बना पाएंगे। ये डिज़ाइन अगर मान लो कि ईजी लग रहा हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो लोग नए सीख रहे हैं उन लोगों को ज़रूरी ही सीखना, जो लोग सीख गए हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं है, पर कोई बात नहीं, ऐसी भी डिज़ाइन कभी कभी बनानी चाहिए। बहुत सारी जगहों पर ऐसी डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत पड़ती है।
मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि ये बहुत आसान था, बहुत इजी था। कॉपी पेस्ट करना है और रेडीमेड पीएचडी फाइलें बनाया जा सकता है। पीएचडी फाइल बनाने के तरीके भी मैंने आपको बताया हूँ, और आगे भी कोशिश करेंगे कि पीएचडी फाइल डिज़ाइन करने का पूरा मैकेनिज्म लेके आएंगे, समय के साथ साथ चीज़ें बेहतर करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। सेकेंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं कल की एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद, जय भीम।